तो दोस्तों चलिए तौफिक जी की मैं नर्सरी पे आया हूँ और यहाँ पर आपके साथ में पार्ट टू आज शेयर करने वाला हूँ। सब ये है, यहाँ से कटिंग करके इसको बांधा जाएगा इस टाइप में, जैसे ये बांधा गया है। इसमें लगभग साल में कितनी बार फ्रूटिंग होगी? एक साल में दो बार। वेलकम करता हूं आपको मट्टी गार्डनिंग चैनल पर, और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी भी होंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मट्टी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आप लोग के साथ में आज ऊपर नर्सरी का पार्ट टू लेके आया हूँ। इसे पहली वाली वीडियो में बताया था कि बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट टू आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो चलिए मैं आप लोग को आज पार्ट टू में दिखाता हूं कि पास दोस्तों इस नर्सरी में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हैं। ग्राफ्टिंग से किस तरीके से प्लांट तैयार किए जाते हैं ये मैंने आकर यहां पर देखा है, कुछ सुना हुआ था किस तरीके से आम के प्लांट तैयार किए जाते हैं, अमरूद के प्लांट तैयार किए जाते हैं, तो एक अमेजिंग सा नज़ारा है दोस्तों। वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा नया, इस तरीके की वीडियो मैंने बहुत ही कम देखी है और बहुत ही कम इस तरीके की नर्सरी पर विजिट भी किया है। फर्स्ट टाइम इस तरह की नर्सरी विजिट कर रहा हूँ जहाँ पर फ्रूटिंग से रिलेटेड इतने अच्छे अच्छे प्लांट ये तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर आप दोस्तों विजिट कर सकते हैं। और बस दोस्तों इतना ही कहूँगा कि एक यहाँ पर आने के बाद जब मैंने जो प्लांट देखे हैं किस तरीके से प्लांट तैयार किए जाते हैं तो वो एक अलग ही मतलब चीज़ें थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले बस दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छा है तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फिर जी, इस नर्सरी के बारे में बताइएगा कि इस नर्सरी पर आपको किस तरीके के प्लांट मिल जाएंगे? हमारे यहाँ आम के पौधे तैयार किए जाते हैं, अमरूद के, लीची के, अभी लीची के ग्राफ्टेड हुआ है वहाँ पे, आगे जाके देखा था लीची के। आपके पास में ये पॉली बैग में पौधे तैयार किए जाते हैं, और इनमें ये पॉली बैग लगाना ज़रूरी होता है, पॉली बैग लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? पॉली बैग लगाने से ये पेड़ सूखता नहीं, खुदाई जब होती है वो पेड़ सूख जाते हैं, पॉली बैग में मरना नहीं है पेड़ को, लाइफ टाइम चलेगा ये। और जब जब ऑनलाइन आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जो है सेल करेंगे, तो ऐसे में ये प्लांट जो है आपके ये पॉली बैग सहित आप इनको भेजेंगे कि पॉली बैग रिमूव करके इनको पैकिंग करके भेजेंगे? पॉली बैग समेत भेजेंगे, पॉली बैग समेत भेजेंगे, पेड़ सूखे ना सुरक्षित पहुँचे, सुरक्षित पहुँच जाए। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से इनके पास आकर आप प्लांट परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में इनके यहाँ प्लांट हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में आप लोग को दिखाया है कि 10-10 रुपए में इनके पास में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट आपको, सभी तरीके की वैरायटी के प्लांट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर इस तरीके के प्लांट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनसे कुछ प्लांट्स अब देखते हैं, इनकी नर्सरी का पूरा विजिट हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, और रेट भी साथ के साथ जानने की कोशिश करेंगे। अमरूद, गुआवा की नाचिंग, ये सब कल्ले लेने लगी हैं। सब ये तो 40,000 का होगा। इसका रेट क्या होगा? ये 25 रुपये का, ये 25 रुपये का है ये। इस तरीके से पौधे जो है तैयार किए जाते हैं हमारे जी। ये सभी अमरूद के पौधे हैं, सब इस तरीके के पौधे भी आप परचेज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे हैं, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत सारे पौधे हैं इनके पास में, ये देखिए दोस्तों। इसमें किस किस तरीके के पौधे मिल जाएंगे? सफेदा, अमरूद के पौधे, ये सारे के सारे। तो ये देखिए दोस्तों बहुत सारे पौधे इनके पास में हैं और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। चलिए थोड़ा सा और दिखाइए आगे, ये है यहाँ से कटिंग करके इसको बांधा जाएगा इस टाइप में, जैसे ये बांधा गया है। ये जो है इनके मदर प्लांट हैं, और ये सभी के सभी इनसे जो है ग्राफ्टेड हुए हैं, तो मदर प्लांट आप अलग तैयार करते हैं और ग्राफ्टिंग प्लांट जो है वो अलग तैयार करते हैं।
दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ग्राफ्टेड प्लांट हैं, कितने अच्छे अच्छे तरह के प्लांट हैं। ये प्लांट अगर आप परचेज करते हैं तो इनमें बहुत जल्दी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सभी के सभी पौधे जो हैं वो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं इनसे। इनसे मेरी बात हुई है तौफीक जी से, तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि में, कि प्लांट ख़राब भी ना हो और कम से कम प्राइस में आपको ये प्लांट पड़ जाए। तो बताइएगा तौफीक जी। ये मिनिमम ऑर्डर इसका 400 तक होना चाहिए। कम से कम 400 प्लांट का जो है ऑर्डर होना चाहिए। और किस तरीके से आप उनके पास इनको भेजेंगे? ये डाले हैं, पिकअप है, इसी डाले पिकअप के थ्रू जाएंगे। और इंडिया में कहीं भी आप इनको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए इनके प्लांट परचेज कर सकते हैं। एड्रेस जो है मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आपको उनका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप इनसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी मंगा सकते हैं, प्लांट्स के रेट हर चीज़ इनसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे इनके पास में वैरायटी है और बहुत सारे इनके पास में प्लांट हैं, तो इस तरीके से आकर आप परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत सारे इनके पास में वैरायटी है और एक अलग ही नज़ारा है यहाँ पर देखने को। और मलिहाबाद वैसे भी दोस्तों प्लांट्स के लिए बहुत ही मशहूर है, ख़ास करके आम के प्लांट, अमरूद के प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट। तो इस तरीके से आकर आप यहाँ पर तौफीक जी से प्लांट जो है वो परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को कुछ और भी दिखाता हूँ, कुछ और भी इनके पास में प्लांट हैं। ये देखिए इनके पास में तैयार किए हुए प्लांट हैं। बहुत दिनों से दोस्तों रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस वीडियो का एक पार्ट टू बनाया जाए, और आज मैंने सोचा टाइम निकाल कर चलिए आप लोग के साथ में पार्ट टू शेयर ही कर देता हूँ। तो ये देखिए हैं, ये इनकी क्या खासियत है इस टाइप के? ये L49 है। ये L49, तो इसमें लगभग कितने समय में जो है फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी? बस 1 से 1.5 साल के बाद फ्रूटिंग चालू, इसमें बस आने चालू हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों बहुत सारे जो है इनके पास में यहाँ पर भी प्लांट अवेलेबल है। ये सभी के सभी दोस्तों प्लांट आप बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही आसान विधि में जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी आम की वैरायटी मिल जाएगी, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, हर तरीके की वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका रेट क्या है? 60-70 रुपये जैसा। 60-70 रुपये इनका, 60-70 रुपीज़ इनका रेट पड़ जाएगा आपको। और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। ये देखिए दोस्तों सभी के सभी जो है ग्राफ्टेड ही प्लांट हैं। देखिए तो इस तरह दोस्तों भी यहाँ पर आकर इनसे बहुत सारे प्लांट जो है परचेज कर सकते हैं। छोटा सा प्लांट दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए है, और इसमें कितना सारा जो है फ्लावरिंग हो रही है, और आने वाले समय पर बहुत अच्छी इसमें फ्रूटिंग होने वाली है। इस प्लांट में लगभग कितने आपको क्या उम्मीद है, कितने निकलेंगे इसमें? कम से कम 4 कैरेट आएगा। 4 कैरेट एक छोटे से प्लांट में 4 कैरेट मैंगो इसमें आ जाएगा। ये अभी लगभग कितने समय तक इसमें इसी तरीके से फ्रूटिंग होती रहेगी? ये अब जब तक इसको काटेंगे, जब तक के नहीं काटे तब तक के इसमें लगातार फ्रूटिंग जो है वो आती ही रहेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आकर आप यहाँ पर बहुत सारे जो है प्लांट परचेज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक जो है बड़ा प्लांट इनके पास में है आम का, और इसमें भी देख रहा हूँ मैं बावरी जो है बहुत सारी आई हुई है, और बहुत सारे इसमें भी मुझे लगता है कि आने वाले समय पर फ्रूटिंग होगी, ज़बरदस्त फ्रूटिंग इसमें होने वाली है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी इनकी नर्सरी है। ये मैं आप लोग के साथ में पार्ट टू शेयर कर रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने आप लोग को दिखाया था, उसमें बहुत सारे प्लांट्स इनके पास में थे, और पार्ट टू है ये आप लोग के साथ में जो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। नींबू है, ये देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग है, कहना है कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी में नींबू आपको मिल जाएंगे। इसमें लगभग साल में कितनी बार फ्रूटिंग होगी? 2 बार होगी। एक साल में 2 बार होती है। एक बार अभी लगभग कब शुरू हो, कब तक होगी? अभी ये फूल निकल रहा है, इसके बाद बारिश में फिर आ जाएगा। बारिश में, और उसके बाद दोबारा? उसके बाद वही सितंबर में आ जाएंगे। 2 बार इसमें लगातार दोस्तों फ्रूटिंग मिलेगी। और इस तरीके से आकर आप दोस्तों यहाँ पर ये भी सब प्लांट जो है वो परचेज कर सकते हैं।
ये हमारा पाली पौधा है, इसमें बस आम आने वाले हैं, इतने छोटे छोटे पौधे में आते हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों देखिए इस पे कितना अच्छा बौर आया हुआ है, और ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे से प्लांट में भी इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो जब भी इसमें फ्रूटिंग आएगा तो मैं आप लोग के साथ में उसका वीडियो भी ज़रूर शेयर करूंगा एक बार। और इन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आम भी आकर आप यहाँ पर खाइएगा आकर, तो मैं आऊँगा यहाँ पर और पार्ट टू इसका ज़रूर आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करता हूँ। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और ऑनलाइन इनसे आकर आप प्लांट जो है परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर, इनका व्हाट्सअप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो का दोस्तों एंड मैं यहीं करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग।